हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है न्यू एक्सपोर्टर्स के लिए। आज हम बात करेंगे हाउ टू फाइंड बायर्स फॉर एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट के लिए बायर कैसे ढूंढें। आपको सबसे बेस्ट वे, 7 बेस्ट तरीके आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे बायर को आप ढूंढ सकते हैं। फिर हम आपको बताएंगे कि फ्री में एक्सपोर्ट का डाटा कैसे निकालें और कहां से लिया जाता है। उसके बाद फिर हम बात करेंगे, अगर एक्सपोर्ट का डाटा हम लेते हैं तो कौन कौन से प्लेटफॉर्म से सब्सक्रिप्शन लेना बेहतर रहेगा। उसके बाद हम बात करेंगे एम्बेसी से कैसे बायर का डाटा निकाला जाता है, कैसे लीड जनरेट की जाती है। फिर हम बात करेंगे कस्टम पोर्ट से डाटा कैसे निकाला जाता है और कौन निकाल करके देता है हमको। फिर हम बात करेंगे एग्जीबिशन के बारे में, एग्जीबिशन क्या होता है, एग्जीबिशन कैसे अटेंड करना चाहिए और एग्जीबिशन में किन किन चीजों को प्रेपर करना चाहिए, रेडी रखना चाहिए। फिर हम बात करेंगे आप बायर से डायरेक्टली मीटिंग कर सकते हैं तो कैसे मीटिंग करेंगे। फिर हमारा आ जाता है बायर को ढूंढना, लीड जनरेट करना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि सोशल मीडिया के थ्रू कैसे लीड जनरेट की जाती है, कैसे बायर को फाइंड किया जाता है। फिर हम बात करेंगे जेन्युइन बायर कैसे निकालते हैं और कहां कहां पर मिलता है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है न्यू एक्सपोर्टर्स के लिए, क्योंकि आज के वीडियो में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है और इन इन्फॉर्मेशन के थ्रू आप अपने आप को एक अच्छा एक्सपोर्टर इस्टेब्लिश कर सकते हैं और लीड जनरेट कर सकते हैं और बायर के साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टेप बाई स्टेप। दोस्तों, हमारे 7 बेस्ट वे में से पहला बेस्ट वे है हाउ टू फाइंड बायर। उसके लिए सबसे बेस्ट वे है आप किसी वेबसाइट को परचेस कर सकते हैं, उस वेबसाइट का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पर दे रखा है कुछ वेबसाइट के नाम जो पेड सब्सक्रिप्शन देते हैं और आपको वहाँ पर बायर का डाटा मिल जाता है। डाटा में बायर की ईमेल आईडी, कंपनी का नाम, एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाता है और आपको जो मार्केट में ट्रेंडिंग प्रोडक्ट होता है, जिसकी डिमांड होती है, उसके बारे में भी इंक्वायरी आपको सबसे पहले मिल जाती है। कुछ वेबसाइट के नाम हैं जैसे गो फॉरवर्ड, एक्सपोर्टर इंडिया, ट्रेड इंडिया, अलीबाबा.com, ट्रेडोलॉजी, डायल फॉर ट्रेड। दोस्तों, इसके अलावा कुछ और वेबसाइट्स हैं जिनका हम पेड सब्सक्रिप्शन ले करके वहाँ पर डाटा रिसीव कर सकते हैं, बायर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, बायर को कोटेशन दे सकते हैं, अपने कंपनी की पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। दोस्तों, इनमें से कुछ सब्सक्रिप्शन बहुत महंगे होते हैं न्यू एक्सपोर्टर के लिए और कुछ सब्सक्रिप्शन सस्ते होते हैं। तो आप सारे सब्सक्रिप्शंस को एक बार कंपेयर करके देख लें और जो आपको अच्छा लगे उसको आप बाय कर लें। दोस्तों, यहाँ पर जो वेबसाइट मैंने मेंशन की हैं, इनमें से बहुत सारी वेबसाइट में बहुत सारी लीड्स जो होती हैं या बहुत सारा डाटा होता है वो फेक होता है और उनमें जो इंक्वायरी होती हैं वो फेक होती हैं या आउट ऑफ बॉक्स होती हैं। मीन्स ऐसी भी इंक्वायरी आती हैं जो 50 लाख मैट्रिक टन, 10 लाख मैट्रिक टन, जो कि कोई भी फुलफिल नहीं कर सकता है। तो आप ऐसी लीड से दूर रहें और ऐसी लीड से बचें। खास करके उन लीड्स पर, उन डाटा पर फोकस करें जिनमें बायर का कंपनी नेम और कॉन्टेक्ट डिटेल और सही इंफॉर्मेशन मेंशन है। दोस्तों, अब हमारा दूसरे नंबर पर आता है RCMC। RCMC के थ्रू आप बायर को फाइंड कर सकते हैं, बायर से कनेक्ट हो सकते हैं और RCMC कैसे बायर प्रोवाइड करती है इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जब हम एक्सपोर्ट के सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेते हैं और अपने कमोडिटी के अकॉर्डिंग RCMC लेते हैं, तो RCMC लेने के बाद हमारा रजिस्ट्रेशन जो है वो कम्प्लीट हो जाता है। तो RCMC
आरसीएमसी अथॉरिटी हमको वीकली बेसिस और मंथली बेसिस पर अपडेट देती रहती है इंक्वायरी के बारे में और एग्जीबिशन के बारे में कि एग्जीबिशन कहां पर हो रहा है, उसके कितने चार्जेस हैं। इसके साथ ही आरसीएमसी आपको एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड भी देती है जिसके थ्रू आप अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग लीड्स देख सकते हैं उस प्लेटफॉर्म पर। एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ बात करेंगे अपेडा की। अपेडा मेनली एग्रो कॉमोडिटीज के लिए लिया जाता है जैसे राइस, पल्सेस, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स। जब आप अपेडा की आरसीएमसी ले लेते हैं तो आपको आरसीएमसी ट्रेंडिंग प्रोडक्ट के बारे में और जो नई लीड आती हैं उनके प्लेटफॉर्म पर उसके बारे में वीकली बेसिस और मंथली बेसिस पे आपको इन्फॉर्म करते रहते हैं। इसके साथ ही आरसीएमसी अथॉरिटी आपको हेल्प करती है एग्जीबिशन के रिगार्डिंग कि आपको कैसे पार्टिसिपेट करना है, और वो आपको फुली सपोर्ट करते हैं डॉक्यूमेंट्स बनाने में और ट्रैवल में। दोस्तों हम बात करेंगे तीसरा नंबर, तीसरा हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट वे है बायर को ढूंढने के लिए, जो है एम्बेसी। क्योंकि एम्बेसी किसी भी कंट्री का एक लीगल स्थान होता है, लीगल जगह होती है जहां पर उस कंट्री के लोग आते हैं या हमारी कंट्री के लोग जाते हैं, तो वहां पर जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो प्रॉपर वैलिड और कंप्लीट होती है। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर कंट्री को टारगेट कर रहे हैं तो आप उस कंट्री के एम्बेसी भी जा सकते हैं, वहां आपको बहुत सारे इम्पोर्टर की जेन्युइन इंक्वायरी मिलेगी। बस आपको अच्छे से अपनी कंपनी और अपने प्रोडक्ट के बारे में डिस्क्राइब करना है, क्योंकि दोस्तों एम्बेसी में जो भी लीड्स होती है, जो भी इम्पोर्टर या एक्सपोर्टर जाते हैं वो पूरे प्रॉपर वे में जाते हैं। प्रॉपर वे से मतलब है कि अपनी कंपनी की वैलिड आईडीज, वैलिड इंफॉर्मेशन एम्बेसी को देते हैं। अगर एम्बेसी चेकिंग में पाती है कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स इनवैलिड है तो वो उस इंक्वायरी को जनरेट ही नहीं करते हैं, उस लीड को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। दोस्तों अभी आता है हमारा चौथा नंबर, एग्जीबिशन। एग्जीबिशन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सबसे इम्पोर्टेंट वे है बायर को फाइंड करने के लिए, बायर के साथ ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए और जल्दी ही डील क्लोज करने के लिए। सबसे अच्छा वे इसलिए है क्योंकि एग्जीबिशन में जो भी पार्टिसिपेट करता है वो जेन्युइन बायर होता है और जल्दी आपसे कनेक्ट हो जाता है और आपके प्रोडक्ट पर ट्रस्ट होता है, और उसके साथ आपको भी ट्रस्ट बिल्ड करना इजी हो जाता है जिससे डील जल्दी हो जाती है। तो एग्जीबिशन अटेंड करना और एग्जीबिशन में स्टॉल लगाना, अपने प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करना, ये सबसे अच्छा वे है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बिजनेस में सबसे अच्छा वे एग्जीबिशन है। दोस्तों अब हम बात करेंगे एग्जीबिशन के कुछ बेनिफिट्स जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, और इसको आपको खास करके फोकस रखना है जब भी आप एग्जीबिशन अटेंड करें, क्योंकि एग्जीबिशन अटेंड करने से बहुत सारे बेनिफिट हैं। उनमें से सबसे पहला है मार्केट को एक्सप्लोर करना। मार्केट को एक्सप्लोर करने से मतलब ये होता है कि आप अपने ऑडियंस और जो पोटेंशियल कस्टमर हैं या डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनको अपने ब्रांड के बारे में इन्फॉर्म कर सकते हैं और न्यू मार्केट को जान सकते हैं। फिर हमारा आता है नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी। इसमें आप क्लाइंट के साथ, जो भी आपका ट्रस्टेड क्लाइंट हो, उसको एक रिलेशनशिप और सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूटरशिप के बारे में इन्फॉर्म कर सकते हैं और सारी चीजों के बारे में उसको डिस्क्राइब इजिली कर सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च का मतलब ये है कि आपको जब एग्जीबिशन करें तो जिस कंट्री का एग्जीबिशन हो या जहां भी आप एग्जीबिशन अटेंड करने जा रहे हैं तो वहां पर रिसर्च कर लें कि कौन कौन सी कंपनीज आ रही हैं, किस किस कंट्री के बायर आ रहे हैं और उनका मेन फोकस किन किन प्रोडक्ट में है, क्योंकि एग्जीबिशन बहुत टाइप के होते हैं। गवर्नमेंट कभी फूड के, कभी मेडिकल के, कभी अदर प्रोडक्ट के एग्जीबिशन लगाती रहती है, तो आपको मार्केट के अकॉर्डिंग, अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग एग्जीबिशन अटेंड करने हैं और बायर को फाइंड आउट करना है। दोस्तों अब हम बात करेंगे प्रोडक्ट लॉन्च एंड प्रमोशन। दोस्तों अगर
हमारा कोई ब्रांड है, हमने कोई नया ब्रांड बनाया हुआ है और उसको प्रमोट करना चाहते हैं, उसको लॉन्च करना चाहते हैं या उसका प्रमोशन ग्लोबल वे पे करना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है एग्जीबिशन। आप एग्जीबिशन अटेंड करें और अपने प्रोडक्ट को वहां पर लॉन्च करें और अपने जितने भी न्यू बायर हैं उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट के थ्रू। दोस्तों फिर एग्जीबिशन का जो सबसे अच्छा और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है लीड जनरेशन। लीड जनरेशन का मतलब यहाँ पर यह होता है कि आप उसी एग्जीबिशन में बायर को सैंपल दिखा करके, अपने कंपनी की प्रोफाइल दिखा करके, अपना स्टेटस दिखा करके कन्विंस कर सकते हैं और वहीं पर आप लीड जनरेट कर सकते हैं। वहीं पर बायर के साथ पूरा A to Z कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन, प्राइस का निगोशिएशन और सारी चीजें आप वहीं पर कंफर्म कर सकते हैं। मतलब कि आप एग्जीबिशन में ही एक्सपोर्ट को, एक्सपोर्ट की डील को कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों इसके साथ ही और भी कुछ पॉइंट्स हैं, हम उन पर डिस्कस करेंगे, जैसे गवर्नमेंट सपोर्ट एंड इंसेंटिव। दोस्तों हमारी गवर्नमेंट, जब हम एग्जीबिशन अटेंड करते हैं या एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो हमारी गवर्नमेंट सपोर्ट करती है हमको, एक्सपोर्टरों को सपोर्ट करती है, ट्रेडरों को सपोर्ट करती है। वो सपोर्ट ऐसे होता है कि जब भी कोई एग्जीबिशन होता है तो गवर्नमेंट आपको इन्फॉर्म करती है कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कितना पैसा लगेगा, वो सारी चीजों के बारे में आपको इन्फॉर्म करती है और आपको स्टॉल लगाने में वहां पर क्या क्या चीजें फैसिलिटी मिलेंगी वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड करती है, प्लस आपको सब्सिडी देती है, कुछ इंसेंटिव भी आपको देती है अगर आप गवर्नमेंट के थ्रू या गवर्नमेंट के बॉडी के थ्रू आप एग्जीबिशन के लिए किसी कंट्री में पार्टिसिपेट करते हैं। तो दोस्तों फिर इसके बाद आता है ग्लोबल प्रेजेंस। इसका मतलब ये होता है कि जब हम एग्जीबिशन अटेंड करते हैं तो उससे हमारी कंपनी को या हमारी कंपनी के बारे में ग्लोबली, इंटरनेशनल अपनी कंपनी को एस्टेब्लिश करते हैं, अपनी कंपनी के बारे में क्लाइंट्स को, बायर को इन्फॉर्म करते हैं और इससे हमारे साथ दूसरे जो पार्टनरशिप करना चाहते हैं या दूसरे क्लाइंट जो पोटेंशियल रखते हैं वो हमारे साथ मिल करके काम करना चाहते हैं या फिर कोई एग्रीमेंट बना करके काम करना चाहते हैं। दोस्तों इसके बाद आता है कॉस्ट इफेक्टिव मार्केटिंग। इसका मतलब होता है कि जब हम एग्जीबिशन अटेंड करते हैं तो हमें बहुत ही कम पैसे में बहुत ज़्यादा लोगों को या बहुत ज़्यादा कंट्रीज के लोगों को अपने प्रोडक्ट को इजीली दिखा सकते हैं, शो कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में या अपनी कंपनी के बारे में इजीली कम पैसे में उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं और अट्रैक्ट कर सकते हैं और लीड जनरेट कर सकते हैं और बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों फिर हमारा आता है फीडबैक एंड इम्प्रूवमेंट। फीडबैक एंड इम्प्रूवमेंट का मतलब ये होता है कि जब हम किसी बायर के साथ एक्सपोर्ट करते हैं और उसको मटेरियल सप्लाई करते हैं और हमारे कई बायर्स हो जाते हैं और हम उनको डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो कभी कभी हमारी पैकेजिंग में या प्रिंटिंग में या डॉक्यूमेंटेशन के पार्ट्स में कुछ कमियां रह जाती हैं, कुछ दिक्कतें रह जाती हैं, तो हम वहां पर अपनी कंपनी के बारे में या अपने एम्प्लॉई के बारे में या अपने प्रोडक्ट के बारे में बायर के साइड से, बायर की तरफ से जो भी फीडबैक मिलता है उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि जब नेक्स्ट एग्जीबिशन हो या कहीं पर और हम जाएं, अपने आप को प्रेजेंट करें, तो वो जो पहले वाली दिक्कत थी, पहले वाली परेशानी थी वो खत्म हो जाए और हमारी कंपनी में इम्प्रूव हो जाए। दोस्तों अब आता है पांचवा नंबर। पांचवें नंबर पर भी एक इम्पोर्टेंट चीज है कि डाटा कैसे बाय करें, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का डाटा किससे बाय करें और कहां से बाय करें और क्या क्या चीजें हमको बाय करने के बाद मिलती हैं, तो इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा ये टॉपिक है डाटा बाय फ्रॉम CHA लॉजिस्टिक कंपनी। इसका मतलब ये होता है कि हम जो डाटा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का उसको CHA जो कस्टम हाउस एजेंट होता है या लॉजिस्टिक कंपनीज होती हैं, उनके पास जेन्युइन डाटा कस्टम का अवेलेबल होता है जिसमें बायर की और कंसाइनी की, इंपोर्टर की यानी जिसमें बायर की डिटेल्स मेंशन होती हैं, पोर्ट वाइज, मंथली वाइज, डेट वाइज, प्रोडक्ट वाइज और HS कोड वाइज। तो अगर आप किसी स्पेसिफिक HS कोड को टारगेट कर रहे हैं या किसी स्पेसिफिक कंट्री को टारगेट
टारगेट कर रहे हैं, या आपका कोई खास पोर्ट है इंडिया में जिससे आप प्रोडक्ट को टारगेट कर रहे हैं, तो CHA से या लॉजिस्टिक कंपनी से आप डाटा बाय कर सकते हैं जो कि रियल और जेन्युइन होता है। फिर इसके बाद आता है, दूसरा नंबर पर आता है, ट्रस्टेड कंपनी से डाटा खरीदना। दोस्तों, आजकल इंडिया में और वर्ल्ड वाइड ट्रस्टेड कंपनी है जिनसे हम डाटा खरीद सकते हैं, पोर्ट वाइज और डेट वाइज और कंट्री वाइज। फॉर एग्जाम्पल, वोल्जा कंपनी, सी एयर कंपनी, इसकी तरह और भी बहुत सारी कंपनी ऑनलाइन हैं जो डाटा आपको पैसे लेकर के देती हैं। जैसा भी आपको डाटा चाहिए वो सारा डाटा देती हैं आपको। बट दोस्तों, इसमें आपको खास ध्यान रखना है कि ये डाटा थोड़ा से क्रूशल होता है, इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन कंसाइनी की मिसिंग होती है, बट मेजरली चीजें आपको इस डाटा में मिल जाती हैं। तो दोस्तों, अगर आप बायर को फाइंड करना चाहते हैं तो एक ये भी बेस्ट वे है जिससे आप बायर का डाटा ले सकते हैं और बायर को फाइंड कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें एक चीज और आती है कि हम अगर डाटा खरीदते हैं अपने नियर बाय लोगों से, डाटा खरीदते हैं किसी कंपनी से पोर्ट वाइज या HS कोड वाइज या प्रोडक्ट वाइज, तो इससे हमारे जो कंपटीटर हैं उनकी भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ जाती है, जिससे हमको बायर के साथ निगोशिएट करने में या अपने कंपटीटर को कम्पीट करने में इजी हो जाता है, हेल्प मिलती है। तो ये एक बेस्ट वे है, आप बायर का डाटा फाइंड कर सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं, और काम करने के बाद आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे 6th नंबर। दोस्तों, 6th नंबर पर है डायरेक्ट मीटिंग विद बायर। डायरेक्ट मीटिंग विद बायर का मतलब ये होता है कि हाउ टू डायरेक्ट ए मीटिंग विद द बायर। इसका मतलब है कि आप बायर के साथ डायरेक्टली मीटिंग कर सकते हैं, बायर से डायरेक्टली मिल सकते हैं और लीड जनरेट कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे UAE दुबई में अल अवीर मार्केट है जो कि फेमस है फ्रूट और वेजिटेबल के लिए। वहाँ पर बहुत सारे इम्पोर्टर, कमीशन एजेंट, ट्रेडर लाइन से शॉप लगा करके बैठते हैं, वहाँ पर उनकी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है। तो आप उनके यहाँ डायरेक्टली जा सकते हैं और वहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में, पेमेंट टर्म के बारे में और भी चीजों के बारे में। तो ये एक बेस्ट वे है बायर को फाइंड करने के लिए, बायर के साथ निगोशिएट करने के लिए और डील को क्रैक करने के लिए। दोस्तों, एक चीज का और आप ध्यान रख सकते हैं कि आप डायरेक्ट मीट के लिए नियर बाई कंट्री को चुने, क्योंकि आप न्यू एक्सपोर्टर हैं तो न्यू एक्सपोर्टर के लिए काफी दिक्कत होती है। तो नियर बाई कंट्रीज में नेपाल है, भूटान है, सऊदी है, UAE है, कतर है, बहरीन है, बांग्लादेश है, जो कि ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। तो आप इन सब कंट्रीज में डायरेक्टली बायर से मिल सकते हैं उनके ऑफिस में और अपने प्रोडक्ट को अच्छे से प्रेजेंट करके डील को क्रैक कर सकते हैं और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे 7th नंबर पर। 7th नंबर पर जो है वो आज की डेट में एक वेपन है, एक बहुत इम्पोर्टेंट हथियार है जिसको हर कोई, हर बायर यूज करता है। उसको कहते हैं गूगल मैप्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और इसी के तरह और भी सिमिलर प्लेटफॉर्म है, उसको हर कोई यूज करता है। इसको यूज करने के सबसे बड़े फायदे ये हैं कि आप इजिली मार्केटिंग कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हो और बायर के साथ कनेक्ट हो सकते हो। दोस्तों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थोड़ा से लेंथी होता है और टाइम टेकिंग होता है, बट इसमें बायर से कनेक्शन बहुत ही इजी होता है। उससे बातचीत करना, उसको प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देना बहुत इजी वे है, क्योंकि आज की डेट में ऑलमोस्ट सभी लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप यूज करते हैं। तो रिप्लाई करना या इंफॉर्मेशन को तुरंत पास आउट करना बहुत ही इजी हो जाता है, हैंड टू हैंड हो जाता है। तो आज की डेट में हर बायर, मोस्टली हर बायर, चाहे वो एक्सपोर्टर हो, चाहे वो इम्पोर्टर हो, चाहे लोकल ट्रेडर हो या शॉपकीपर हो, हर कोई फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और गूगल मैप का यूज कर रहे हैं। तो आप सोशल मीडिया के थ्रू अपने आप को, अपनी कंपनी को, अपने प्रोडक्ट को ग्लोबली इंटरनेशनल मार्केट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अच्छे से शो कर सकते हैं और जेन्युइन बायर फाइंड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, और इसके साथ ही आप उन बायर के साथ अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं उन्हीं प्लेटफॉर्म के
थ्रू आप बायर से निगोशिएट कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं और डील को क्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा रहा आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको काफी इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आप इनमें से जो 7 वे मैंने बताए हैं इनको यूज करके आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं और नए बायर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो आप इन 7 स्टेप को फॉलो करें और इससे अपने बिजनेस को ग्रो करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लाते रहते हैं। और दोस्तों अगर आपको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कोई इंक्वायरी है, कहीं पर परेशानी आ रही है डॉक्यूमेंटेशन के अकॉर्डिंग या बायर के साथ निगोशिएशन के रिगार्डिंग या कोई और चीज में आपको परेशानी आ रही है, दिक्कत आ रही है, तो हमने मेल आईडी मेंशन कर रखी है, आप हमें मेल कर सकते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको सपोर्ट करेंगे और आपकी मदद करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।